ज़बां तर्ज की रहती है सनाए शाहे बतहा से उबैदे कादरी उनका दहन मैला नहीं होता। साहब ने फरमाइश की, उर्दू में लिखा, उर्दू में लिखा कि ये नात पढ़ो। यही साहब अगर पश्तो में लिख के देते हैं तो पढ़ता था। मुझे पश्तो नहीं आती, ठीक है, मुझे पश्तो नहीं आती, मुझे फ्रेंच नहीं आती। मुझे अगर कोई उन जमानों में लिख के दे या मुझे कहे तो मैं क्या कहूंगा, मैं उसका मुंह देखूंगा, पता नहीं क्या कह रहा बेचारा। ये बात है, महबूब की बारगाह में कौन कौन आता है? अंग्रेजी बोलने वाला, अरबी बोलने वाला, फारसी बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाला, पश्तो बोलने वाला, सिंधी बोलने वाला, हिंदी बोलने वाला, बंगाली बोलने वाला, फ्रेंच बोलने वाला, गुजराती बोलने वाला, मेमनी बोलने वाला, दुनिया की हर जबान बोलने वाला हुजूर की बारगाह में जाता है कि नहीं? हुजूर सबकी सुनते हैं, हुजूर सबकी सुनते हैं। और मुझे यकीन है कि हुजूर की बारगाह में जानवर भी आते थे, हुजूर जानवरों की भी सुनते थे। और मुझे कहने दो कि हुजूर तो उसकी भी सुनते हैं जिनको बोलना नहीं आता, जिनके पास जबान नहीं, जो गूंगे हैं ना हुजूर उनकी भी सुनते हैं। शायद कहा कि वो ही भर भरे जो समझते गए बोलियां सब की, आओ आओ दरबारे मुस्तफा को चले, आओ दरबारे मुस्तफा को चले, गम खुशी में वहीं पे ढलते हैं, आओ बाजारे मुस्तफा को चले, वहीं पे चलते हैं। क्या औकात है तुम्हारी, ओ जी वड्डा बैंक बैलेंस साडा, ए प्लाट साडा ते ए प्लाट साडा ते ए फैक्ट्री साडी ते ए बिल्डिंग साडी ते ए फैक्ट्री साडी, ये तुम्हारी औकात होगी? मदीने के आशिक से पूछो ना कि तेरी औकात क्या है, तो वो कहता है अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते रहे, अभी टुकड़ों पे उनके पल।
पल्ले कल भी टुकड़ों के पल्ले अभी टुकड़ों पे उनके पल्ले यह गिलास 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 क्या है आब खोरा क्या है उर्दू में कहते हैं आब खोरा क्या कहते हैं पता भी नहीं किसी को गिलास तो इंग्लिश लफ्ज है उर्दू में कहते हैं आब खोरा ये गिलास है मैंने इसको यहां रख के यूं गिरा दिया यूं गिरा दिया अब मैं आपको कहूं आओ इसको गिराओ अब तो हो गया हुए भाई ये तो पहले से गिरा हुआ है इसको क्या गिरा है गिरे हुए को क्या गिरा है शायर ने कहा कि अब हमें क्या कोई गिराएगा हर सारा गले लगाएगा कि हमने खुद को गिरा दिया है वहां गिरने वाले जहां संभलते हैं हमने खुद को गिरा दिया चलते ये उबैदत न गुलाम ये उबैदत न गुलाम तेरा है खैरुल अनाम वक्फ मिदहत के लिए इसकी हो उम्र तमाम